अभी जो आपने हेयर स्टाइल देखा, मैं वही हेयर स्टाइल बिल्कुल आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। ये जो हेयर स्टाइल है मेरा ऑन द गो हेयर स्टाइल है, इसमें सिर्फ 5 मिनट लगते हैं और ये हेयर स्टाइल बनके रेडी हो जाता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया? अरे फ्री है यार, कर दो। नहीं करना ठीक है, वीडियो ही देख लो, बहुत मेहनत से बनी है। तो सबसे पहले हम अपने हेयर को डीटैंगल करेंगे। डीटैंगल करने के लिए सो दैट हमारे हेयर में कोई भी नोच ना रहे। मेरे बाल थोड़े लंबे हैं तो मैं पीछे जाकर दिखा रही हूँ। जब डीटैंगल कर लेंगे उसके बाद हमने फ्रंट से कुछ हेयर स्टाइल बनाने हैं। ये मैं कर रही हूँ, आगे से थोड़े से हेयर लिए एंड देन उसको ट्विस्ट किया और मैं वापस से इसमें हेयर्स ऐड कर रही हूँ। सेम इसी तरीके से आपको भी हेयर्स ऐड करते हुए फ्रंट से एक हेयर स्टाइल क्रिएट कर लेना है। इसको थोड़ा सा बाउंसी एंड फ्लपी दिखाने के लिए इसको सामने की तरफ से थोड़ा सा ऐसे पुल कर लेंगे, सो दैट ये थोड़ा बाउंसी एंड फ्लपी दिखे और चंपू चंपू सा ना लगे। एंड हम इसको अच्छे से टिक टैक पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे। नाउ सेम प्रोसेस मैं करूँगी दूसरे साइड, बट मैंने यहाँ पे थोड़े से अपने बैंड्स को सेपरेट कर लिया है। एंड देन हम सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, हेयर लेंगे थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, अगेन हम हेयर ऐड करते हुए ट्विस्ट करेंगे एंड इसको लास्टली बॉबी पिन से टाइटली सिक्योर कर लेंगे। नाउ इसके बाद मैं क्योंकि फ्रंट से चोटी बना रही हूँ तो मैं सारे को हेयर को फ्रंट के साइड में गैदर कर लूँगी एंड देन इसमें हमें करना है रबर बैंड अटैच। मैं यहाँ पे कलरफुल रबर बैंड का यूज़ कर रही हूँ सो दैट ये विजिबल हो स्क्रीन पे, बट आप चाहे तो ब्लैक कलर का हेयर रबर बैंड यूज़ कर सकते हैं जो कि सीमलेस होता है, विजिबल नहीं होता है। इस तरीके से आपको टाइट करने के बाद एक दो उंगली फंसा के आपको बीच में होल क्रिएट करना है और सारे हेयर को आपको पुल कर लेना है। अगेन थोड़े से डिस्टेंस के बाद, डिस्टेंस आपके अकॉर्डिंग हो तो वो अच्छा होगा, जितना भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं, जितना छोटा रखेंगे उतना अच्छा दिखेगा। मेरे हेयर काफ़ी लंबे हैं इसलिए मैंने ज़्यादा डिस्टेंस पे लिया है। सेपरेट करेंगे और उनमें से हम थोड़ा सा गैप क्रिएट करेंगे और अपने बचे हुए हेयर को ट्विस्ट कर लेंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको अच्छे से बाउंसी बनाना है। हम थोड़े से हेयर्स पुल करेंगे और जिससे कि हमारा हेयर काफ़ी बाउंसी हो जाएगा। तो ये है मेरा हेयर स्टाइल जो कि मैं हमेशा बनाती हूँ, कभी भी कहीं भी जाने के लिए काफ़ी अच्छा है फ्लॉन्ट करने के लिए। सो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।